ऐसा हो गया है, मतलब ये गाड़ी यूज करने के लायक नहीं है। बाकी ना ये जच रही है गाड़ी भाई, संभाल के रखी हुई है तो जचेगी। अपने डस्टर ही क्यों चूज की? डस्टर इसलिए चूज की है क्योंकि एसयूवी है सबसे पहली बात, बल्कि मैं ना पीछे बैठना प्रेफर करूंगा। का स्टेयरिंग वगैरह बहुत अजीब सा लगा, मतलब अट्रैक्टिव सा नहीं है। नहीं है। सो गाइस, आज हम इस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं जो कि YouTube पे बहुत कम बंदों ने रिव्यू करा है, और ये गाड़ी बहुत डिमांडिंग में थी पहले, पॉलिटिशियंस वगैरह रखते थे। बाकी लोग समझ ही गए होंगे कार्स लवर ये कौन सी गाड़ी है, तो मैं भी एक बार बता ही देता हूँ। तो ये है रेनॉल्ट डस्टर, मैं इसके आपको लुक दिखा देता हूँ। तो भाई कितना टाइम हो गया आपको? भाई मुझे हो गया 2 साल यूज़ करते गाड़ी को। चलो, ये मॉडल कौन सा है भाई? ये मॉडल 2014 है भाई। और मैं देख पा रहा हूँ इसके एलॉय लगवा रखे हैं आपने। हाँ, एलॉय लगवा रखे हैं। ये क्या मतलब बाहर से लगवाए हैं, कैसा क्या सीन है इसका? भाई ये सब चीज़ें बाहर से ही लगती हैं, कंपनी वाले तो ऐसे ही बेकार से एलॉय देते हैं, इतना मज़ा नहीं आता उनमें। मैं दिखा देता हूँ, एलॉयज दिखा देता हूँ। बाकी आपने ये लाइन सी भी लगवा रखी है, ये मैं देख रहा हूँ इंस्टा पे ज़्यादा चला हुआ है आजकल। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, तो फिर चेंजेस कराते रहते हैं गाड़ी में। बाकी आपने स्टिकर वगैरह लगा रखे हैं सारे, बॉब मार्ले का भी लगा रखा है। बॉब मार्ले के फैन हैं। अच्छा, ओके। तो ये बताओ चलने में कैसी है? सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है बंदों का कि 2014-15 मॉडल गाड़ी है, वो अब वर्थ इट है लेने के लिए या नहीं है? भाई देखा जाए तो बढ़िया गाड़ी है, लेकिन ये होता है कि एक जो सेटिस्फेक्शन होती है कि नई गाड़ी लेके जो वो होती है, वो तो अलग ही चीज़ होती है। ये अब बस ये लगा लो कि टाइम पास कर रहे हो आप, कहने का मतलब यही है। हाँ, टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद भी बहुत है गाड़ी। अच्छा, क्योंकि एसयूवी गाड़ी है एक तो। माइलेज कुछ क्या होगी इसकी? माइलेज देखा जाए तो भाई इसके अंदर है 16 की एवरेज अभी तो, मतलब इतने चौड़े टायर लगवाने के बाद भी। हाँ, मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ, तो ये चेक कर लो गाइस, ये प्रोफाइल है इसकी, ये 17 इंच है टायर, है ना? अच्छा, हाँ कंपनी वाले तो छोटे देते हैं टायर। हाँ। तो चलो सही है। और मैं ना मतलब काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, मैं भी चलाता था पहले डस्टर, तो ना इसकी लाइट बहुत बेकार है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगा लाइट तो बहुत ही ज्यादा बेकार है इस गाड़ी की, मतलब ये लगा लो कि रात को आते हुए ऐसा लगता है जैसे बस राम भरोसे है गाड़ी। अच्छा। पहुंच जाए तो ठीक, वरना नहीं पहुंचे तो ठीक। ऐसा काम है इस गाड़ी का। वो काम हो गया, आना जाना कारा चे ते आना खबारा चे। हाँ, यही बात है भाई, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने टॉप कितनी भगाई है? ये टॉप भगाई है भाई मैंने 140 की। 140 भाग जाती है आराम से? हाँ, बिल्कुल आराम से भागती है, लेकिन 120 के बाद इसका हैंडल थोड़ा ऐसा हो जाता है, वाइब्रेट वगैरह होना लग जाता होगा, अखबार वाली बात है वो। अच्छा, क्योंकि इसके ब्रेक भी इतने अच्छे नहीं है। अच्छा, तो इस करके थोड़ा डर लगता है। 140 भी मैंने तभी भगाई थी कि जिससे मैं कंट्रोल कर पाऊँ। अच्छा, वैसे सही बताऊँ 160 मैंने भगा रखी है खानपुर वाले रोड पे। हाँ बिल्कुल भगा रखी होगी, लेकिन मुझे डर लगता था इसकी ब्रेक बिल्कुल ही खराब है। अच्छा, मतलब ब्रेक अच्छा। सिस्टम होता है वो टाटा का सबसे बेस्ट सिस्टम है, इससे टाटा से बेस्ट सिस्टम मुझे किसी का नहीं लगा वैसे। अच्छा अच्छा, तो स्पेस कैसी है गाड़ी के अंदर? ये ना दिखने में तो सही बताऊं पूरी बड़ी सी लग रही है। हाँ। मेरे को एक क्रेटा से भी बड़ी लग रही है दिखने में। हाँ, हाँ, बिल्कुल होगी भाई। बाकी ना रेनॉल्ट वालों को चेंज करना चाहिए था लुक वगैरह, जैसे लाइट वगैरह। रेनॉल्ट ने 1% का चेंज नहीं किया, जो इसका नई डस्टर है वो भी ऐसी है, बस उसके अंदर इंटीरियर का थोड़ा बहुत वो कर दिया है, मतलब कोई खास चेंज नहीं किया, लुक वगैरह मतलब अट्रैक्टिव सी करनी चाहिए थी, होना चाहिए था ना, वो कोई भी चेंज नहीं है। ये 90 नंबर है कहाँ का वैसे भाई? ये है भाई उचाना का नंबर। अच्छा, नंबर भी अच्छा लग रहा है। हाँ, नंबर अच्छा है तभी तो। अच्छा, तभी गाड़ी ली हमने। लेकिन मुझे पसंद है बहुत गाड़ी है। अच्छा, तो ये बताओ म्यूजिक सिस्टम कैसा लगवा रखा है आपने? म्यूजिक सिस्टम तो भाई बहुत बढ़िया लगवा रखा है मैंने। अच्छा। मतलब वही है कि कंपनी में से तो कुछ नहीं आता, बाहर से ही लगवाना पड़ता है, जो बढ़िया सिस्टम चाहिए तो मुझे ये बताओ एलॉय डलवाने के बाद गाड़ी कैसी चल रही है? भाई अलॉय डलवाने के बाद गाड़ी बढ़िया चल रही है, जैसे ऐसा होता है ना कि अलॉय डलवाने के बाद चिपक के चलती है गाड़ी, वैसी चल रही है। अच्छा, माइलेज भी अच्छी निकाल रही है ये, मतलब अलॉय के बाद भी ये 16 की एवरेज दे रही है। हाँ बिल्कुल, 16 की एवरेज दे रही है, बल्कि मैंने जो कंपनी देती है वो 16 इंची टायर देती है, मैंने 17 इंची टायर डलवाए हुए हैं इसके अंदर, 17 इंची अलॉय है, फिर भी मतलब मजा आ रहा है गाड़ी में। मतलब आप एवरेज के हिसाब से सेटिस्फाई हो इससे? एवरेज के हिसाब से सेटिस्फाई। हाँ, जैसे आप ना 6 से ज्यादा ही लग रहे हो मेरे को।
अच्छा प्रॉपर छे, तो मतलब ऐसे चलाने में क्लच लगा दबाने दुबाने में दिक्कत नहीं होती है कुछ? नहीं ऐसे दिक्कत होती है लेकिन मुझे नहीं, पीछे बैठने वालों को दिक्कत होती है। आप तो पूरी पीछे करके मैं दिखा देता हूँ ये आप ये। अच्छा यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, बाकी पीछे से दिखेगा। देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही बात है मैं बता तो रहा हूँ, पीछे वालों को ही प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ ये ना बहुत हार्ड बंद हो रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? ये ही सबसे ज्यादा कमियां है इनमें। अच्छा ये तभी कामयाब नहीं हुई, मतलब तभी कामयाब नहीं। मैंने स्टार्टिंग में देखा पॉलिटिशियन भी लेते थे ये गाड़ी, आगे नंबर प्लेट के ऊपर लिखा होता था MLA। हाँ बिल्कुल लेते थे, बिल्कुल लेते थे, पर अब ऐसा हो गया है मतलब ये गाड़ी यूज करने के लायक नहीं है। अच्छा नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि ये होता है कि आज की जनरेशन के हिसाब से चेंजेस चाहिए, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी में। अच्छा बाकी दिखने में तो सही बताऊं मेरे को बहुत पसंद आया दिखने में, तो दिखने में तो देख भाई मुझे भी बहुत पसंद है। कहते तभी ली थी पहले है? तभी ली थी पहले, दिखने में अच्छी थी, दिखने में अच्छी थी तभी ली थी मैंने। बाकी ना ये जच रही है गाड़ी भाई, संभाल के रखी हुई है तो जचेगी। हाँ हाँ मैं ये बात मैं कहने वाला था पहले ही, ये ना साफ बहुत रख रखी है आपने, मतलब मैं सही बताऊँ अगर मेरे से कोई पूछेगा ना ये क्या मॉडल है तो मैं यही कहूंगा कि यार होगा 20-19 तो होगा, पर आप जैसे कह रहे हो 14, ये मेरे को 14 लग नहीं रहा। नहीं नहीं भाई ये 14 ही मॉडल है। अच्छा क्यों आपने मेंटेन इस तरीके से रख रखे ना? मेंटेन करने का ही होता है डिफरेंस तो सभी। अच्छा मैं ना जैसे आपको इंस्टा पे फॉलो करता हूँ तो आप डालते रहते हो धोते हुए गाड़ी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी सही है, मतलब हर भैया हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी वॉश कर देते हैं। हाँ पड़ोसी तंग है हमसे, धोते रहते हैं पानी करते रहते हैं, बस ये मेंटेन रखने के लिए करना पड़ता है भाई। अच्छा तो ना मेरे को ना इसकी बूट स्पेस जरूर देखनी है। बूट स्पेस तो भाई बहुत अच्छा है इसके अंदर, जैसे दो बंदे सो सकते हैं आराम से। अच्छा वाह बूट स्पेस तो अच्छा, ये आपने स्पीकर लगवा रखे हैं जाली है? स्पीकर लगवाए हुए मैंने। चलो 475 का इसमें बूट स्पेस है, दीवान वाह ये भी सही लग रहा है, डस्टर की बजाय मैंने दीवान लगवा दिया। नहीं ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ ये आपने कवर भी लगवा रखा है साइलेंसर पे? हाँ साइलेंसर पे कवर लगवाया, ये भी सही लग रहा है। ये आपने बो मार ले यहाँ पे भी लगा रखा है और एक आपने लगा रखा है यहाँ पे। वाइज अब हम बैठ चुके हैं डस्टर में, तो आपने एक तो ये लगवा रखी है स्क्रीन। हाँ भाई बिल्कुल, मैंने ये चेंज करवाई हुई है, कंपनी वालों ने नॉर्मल जो होता है वो वाला ऑडियो देते हैं। आपने ये ट्विटर भी लगा रखे हैं, मतलब आपको म्यूजिक का शौक है मेरे को है ना? हाँ, क्योंकि हाँ, पीछे भी दो स्पीकर लगे हुए हैं। हाँ हाँ पहले तो इसमें वो भी था, बूफर भी था, सब कुछ था, लेकिन मैंने वो चीजें हटवा दी अभी, क्योंकि इसके अंदर मैं चेंजेस करवाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा चलो अब जैसे ये आपने सेट की हुई थी, अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ इनको कि अगर जैसे मान लो नॉर्मल बंदा बैठेगा पीछे तो बंदा बैठेगा तो आप देखो कुछ। तो गाइस अब हम यहाँ बैठ चुके हैं, ये तो बिल्कुल ही मतलब लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ही, मैं तभी तो कह रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस पीछे वाले को दिक्कत है, मैं तो बिल्कुल भी इसमें सफर नहीं कर पाऊंगा। हाँ भाई लॉन्ग, बल्कि मैं ना पीछे बैठना प्रेफर करूंगा। पीछे आराम से बैठा जा सकता है भाई, आराम से, बिल्कुल आराम से, के ये होता है कि लंबे टूर पे जाना है ना तो पीछे बैठ के आराम से जाओ, कंफर्टेबल जाओ। बैग भी काफी सारे आ जाएंगे इसमें, मतलब हाँ, आप मतलब ये बताओ मेरे को सबसे ज्यादा आप कहाँ पे लंबा ट्रिप मारा आपने? सबसे ज्यादा लंबा टूर गया हूँ मैं जैसलमेर। अच्छा गाड़ी में मतलब मजे आए होंगे? हाँ गाड़ी में बिल्कुल मजे आए भाई, वही बात है दो जने पीछे भी बैठ के गए हैं एक बार तो। अच्छा मतलब आगे सामान रख दिया और पीछे बैठे आराम से। चलो ये भी सही है। बाकी ना मेरे को इसका स्टेयरिंग वगैरह बहुत अजीब सा लगा, मतलब अट्रैक्टिव सा नहीं है। नहीं अट्रैक्टिव सा इसलिए नहीं लग रहा ना क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से देखे तो सभी वो चाहिए इसके अंदर स्टेयरिंग कंट्रोल हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है आज की जनरेशन के हिसाब से तो चेंजेस चाहिए चाहिए। ये मॉडल कौन सा है, मतलब ये टॉप मॉडल तो नहीं है? नहीं टॉप मॉडल नहीं है भाई, टॉप से नीचे वाला मॉडल है ये। चलो अब बहुत बातें होगी गाड़ी के बारे में, तो अब एसी के बारे में और बता दो भाई। एसी के बारे में बात बताऊं तो इसके अंदर ऐसा है कि मतलब जो शुरुआत में आई थी गाड़ी जब तक तो था ठीक थोड़ा थोड़ा। अच्छा मतलब इतना अच्छा नहीं है जो और गाड़ियों के मुकाबले देखते हैं कि अच्छा एसी होना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मतलब इतना अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल तो उस टाइम आपने डस्टर ही क्यों चूज की? डस्टर इसलिए चूज की है क्योंकि एसयूवी है सबसे पहली बात। अच्छा मतलब आपको मेन एसयूवी गाड़ियां पसंद है? हाँ
SUV नहीं, मुझे सेडान भी पसंद है। पहले मेरे पास वरना थी, वो भी बहुत पसंद थी मुझे गाड़ी, वो भी बहुत। वरना तो मतलब इतना ट्रेंड में चला हुआ है ना, इंस्टाग्राम पे हर कोई बंदा मतलब 18-19 एलो 20 इंच एलो लगवा के रील ही रील डालता है उस पे। हाँ हाँ बिल्कुल डालता है भाई, क्योंकि बढ़िया भी गाड़ी है। मैं सबसे बढ़िया गाड़ी है हुंडई की, कि वरना सबसे बेस्ट है सेडान में तो। हाँ अब तो उसका ओवर प्राइस भी कर दी नया मॉडल। मतलब पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे को नया मॉडल इतना पसंद नहीं आया, आप क्या कहोगे उसके बारे नहीं, में? नहीं सही बात है कि वरना जो पहले वाला मॉडल था वो ज़्यादा बढ़िया था। इसका गाड़ी का ब्लैक कलर तो शानदार, बिल्कुल शानदार गाड़ी थी। चलो कभी वरना लेंगे, फिलहाल अपन डस्टर पे आते हैं। बाकी मेरे को वरना से ये ठीक लगी, क्योंकि थोड़ी ऊंची सी है ना, वही एसयूवी वाली बात आ गई। वही बात है, सबकी अलग अलग पसंद होती है, कि एसयूवी पसंद है किसी को, सेडान पसंद है। लेकिन तो मेरे को लग रहे हो आप अब इस गाड़ी से सेटिस्फाई नहीं हो? नहीं ऐसा नहीं है कि सेटिस्फाई नहीं हूँ, हूँ भी लेकिन नहीं भी हूँ, दोनों वो। अच्छा मतलब इन फ्यूचर कब चेंज करोगे गाड़ी? बस शायद मैं इस ईयर ही चेंज कर दूंगा गाड़ी।